हेलो दोस्तों, वेलकम आपका यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जलेबी। तो घर पे जलेबी बना करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने कभी भी मतलब आपसे जलेबी नहीं बनती तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जलेबी बन करके तैयार हो जाएंगी और पहली बार में बहुत ही अच्छी आपकी ये जलेबी बनेंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, जलेबी बनाने के लिए आपको मतलब घर के सामान से बन जाएंगे। इसमें कुछ भी आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैदा है तो बहुत ही अच्छे से आपकी जलेबी बन जाती है। तो दोस्तों, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे आगे बढ़ने में प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, अब लेना है आपको एक बड़ा सा बर्तन। तो इसमें डालना, देखिए हमने एक कटोरी भर करके मैदा लिया है। तो इसको नाप करके लेना, आपको पूरा मेजरमेंट अच्छे से करना है। तो यह हमने लिए एक कटोरी मैदा। एक कटोरी मैदा से ही आज हम जलेबी बना रहे हैं। तो देखिए, ये एक चम्मच घी है। तो देखिए, ये फिगला हुआ घी नहीं है। तो इसमें हमने एक चम्मच घी डालना है। यह देखिए, एक चम्मच डालना है इसमें हमें दही। तो देखिए, यहाँ हमने इसमें आधा चम्मच और दही डाल दिया है। डेढ़ चम्मच हमने इसमें दही ऐड किया है। तो अब क्या करना है, एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें आपको पानी डालना है। पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, आपको यहाँ एक साथ पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो यहाँ देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप एक साथ में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपका बैटर पतला हो सकता है, फिर आपको इसमें और मैदा ऐड करनी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स करते जाए। तो इसी से आपका ये बैटर अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपको अच्छे से देखिए फेंट लेना है, इसमें जालियां पड़ने लग जाएंगे। देखिए, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं हम, फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, इसी तरीके से आपको इसका बैटर बना करके तैयार करना है। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप। बहुत अच्छी आपकी जलेबी बनेगी अगर आप बैटर अच्छे से बना करके तैयार करेंगे। देखिए बैटर, देखिए हमारा कितना अच्छा बना। अभी हमने इसमें इनो वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बैटर तो हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चलिए, तो अब हम बनाते हैं पहले चाशनी। तो पहले हमको बनानी है इसकी चाशनी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने चाशनी बनाने के लिए गैस के ऊपर एक बर्तन रख दिया और जिस कटोरी से नाप करके हमने मैदा ली थी उसी कटोरी से नाप करके यहाँ हमने ये चीनी ली है। और देखिए, उसी कटोरी से नाप करके इसमें एक कटोरी हमें पानी ऐड करना है। अब गैस को ऑन कर देते हैं और चाशनी को अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए, ये हमने गैस को ऑन कर दिया, चाशनी को अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखिए, जैसे ही चाशनी पकने लगेगी हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे ताकि हमारी जलेबी का भी कलर अच्छे से आए।
और ये देखिए इसको हम धीरे धीरे पकने देंगे। तो चलिए अब इसको हम पकने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी देखिए चाशनी भी अच्छे से बन चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं चाशनी हमारी बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ी देर इसको स्लो गैस पर पका करके गैस को बंद कर देंगे, इसको ढक करके रख देंगे। तो चलिए अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ अब हम चेक कर लेते हैं बैटर को। तो ये देखिए ये हमारा बैटर बन करके, देखिए हमने इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया था। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं क्योंकि बैटर थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा है। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने लिया है इनो का पैकेट। तो इसमें पूरा नहीं डालना है क्योंकि एक कटोरी ही मैदा थी, तो इसमें आधा इनो डालेंगे हम इसमें। देखिए हमने आधा इनो इसमें डाल दिया है। अब डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बैटर बन चुका है। इसको बनाने के लिए हमने लिए ही एक दूध की पोलोथीन। तो एक गिलास लेना है और उसमें इस तरीके से पोलोथीन को हमें रखना है। अब इसमें हमें ये बैटर डाल देना है। तो ये देखिए ये हमारा बैटर, देखिए पोलोथीन में इस तरीके से। अभी इसके हम कट नहीं लगाएंगे, जब हम बनाएंगे तब ही हम इसमें कट लगाएंगे वरना ये निकलने लग जाएगा। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसमें थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं। चलिए तो यहाँ आप इसके हम कट लगा लेंगे एक छोटा सा, जितनी आपको बड़ी बनानी उस हिसाब से यहाँ आप कट लगा लेना इसका। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं।
तो देखिए इनको पलट देना और यहाँ गैस को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया पहले तेल को गर्म करने के बाद में। तो देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स जलेबी बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब चलिए इनको हम चाशनी में डालते हैं। तो देखिए चाशनी अभी गर्म है तो इसमें डाल देते हैं ये जलेबी। तो यहाँ आपको जलेबी को गरम गरम चाशनी में ही डालना है। तो देखिए ये बर्तन थोड़ा छोटा है तो एक बार में ज़्यादा नहीं आएंगे, जैसे हम जो पहले डाली थी उसने चाशनी अच्छे से पी ले तो इसको हम निकाल देते हैं। तो देखिए पहले जो डाली थी ना हमने जलेबी इसको हम निकाल देंगे। और इनको अच्छे से इसमें डिबो लेंगे। तो देखिए कितना आसान है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत ही अच्छी से बन रही है हमारी जलेबी। बस इसका थोड़ा सा सेप, मतलब आप इससे भी अच्छा जलेबी का सेप बना सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा देर तक जलेबियों को नहीं रखना, बस ये अच्छे से चाशनी को पी ले उसके बाद आप इनको तुरंत ही निकाल देना है। बहुत ही जल्दी पी लेती है चाशनी, आपकी हल्की गर्म होनी चाहिए। तो देखिए ये भी अच्छे से चाशनी पी ली है। चलिए इनको भी निकाल देते हैं। तो देखिए फिर से हम जलेबी बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप हमारी जलेबी, देखिए कितनी अच्छी देखिए जलेबी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो आप इस तरीके से देखिए जलेबी घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से। और देखिए कितनी अच्छी हमारी ये जलेबी भी बनी है। तो यकीन माने फ्रेंड्स, इस तरीके से आप घर पर देखिए मार्केट जैसी जलेबी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगी कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको एक जलेबी तोड़ के भी दिखाएंगे। तो देखिए, आपको देखने से ही पता चला होगा, देखिए कितने अच्छे से इन्होंने अंदर तक चाशनी पी ली है। तो एक कटोरी जलेबी, मतलब एक कटोरी मैदा से आप बहुत डेढ़ सारी जलेबी बना सकते हैं। तो देखिए, एक कटोरी मैदा से 20 से 25 जलेबी आराम से बन जाती है, अगर आप मतलब मीडियम साइज की बनाएंगे तो। देखिए, अभी हमारी और भी जलेबी हैं, तो इनको आपको बस चाशनी में ज़्यादा देर बस डुबो करके नहीं रखना है, बस चाशनी अच्छे से पी ली बस तभी तक आपको उनको जलेबियों को रखना है। तो देखिए, ये हमारी देखिए जलेबी बन करके तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, घर पे ही हमारी जलेबी कितनी अच्छी बन करके तैयार हो चुकी है। कम खर्च में आप इस तरीके से घर पे जलेबी बना करके तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जलेबी बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो चलिए आपको एक जलेबी तोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए, इसके अंदर तक चाशनी कितने अच्छे से भरी है, देखिए बिल्कुल कुरकुरी जलेबी बनी है, देख सकते हैं। देखिए, आपको तोड़ने से ही समझ में आ रहा होगा, देखिए देखिए। और अभी तो ये गर्म है, ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा कुरकुरी हो जाएंगी। तो देखिए, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी जलेबी बनी है। देखिए, इनमें चाशनी भी बहुत ही अच्छे से अंदर तक पी ली है। तो अब आगे बहुत ही ज़्यादा त्यौहार आ रहे हैं, तो त्यौहार आना शुरू हो गए हैं, तो आप इस तरीके से घर पे जलेबी बना करके तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर भी करना। देखिए कितनी अच्छी हमारी जलेबी बनी है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।